हेलो गाइस, माय नेम इज़ लोकेश और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पज़ल। तो चलिए हम हमारी पज़ल स्टार्ट करते हैं। तो हमें पज़ल में दिया है, देयर आर सेवन फ्रूट सेलर सिटिंग इन अ रो। देयर नेम्स आर आकाश, भावना, चेतन, दीपक, गणेश, हरी, मनीष। यानी कि सात फ्रूट सेलर है जो एक रो में बैठे हैं। उनका नाम है आकाश, भावना, चेतन, दीपक, गणेश, हरी, मनीष। ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। सभी ने नॉर्थ की तरफ फेस किया है। ईच ऑफ देम सेल डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट, दैट इज़ एप्पल, बनाना, चेरी, गवावा, ग्रेप्स, कीवी एंड ऑरेंजेस। यानी कि वो अलग अलग टाइप के फ्रूट्स बेचते हैं। वो फ्रूट्स हैं एप्पल, बनाना, चेरी, गवावा, ग्रेप्स, कीवी, ऑरेंजेस। ईच ऑफ देम हैज़ ए आइदर ब्लू और रेड कंटेनर। उनमें से हर के पास या तो ब्लू कंटेनर होगा या फिर रेड कंटेनर होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, एप्पल सेलर एंड गवावा सेलर आर सिटिंग एडजेंट टू ईच अदर। एप्पल और गवावा बेचने वाले जो सेलर है वो एक दूसरे के परस्पर बगल में बैठेंगे। वन ऑफ दैम इज़ ए एक्सट्रीम कॉर्नर। इन दोनों में से एप्पल और गवावा सेलर में से एक जना कॉर्नर में बैठेगा, कौन ये हमें पता नहीं है। गणेश सेल चेरी इन अ रेड कंटेनर एंड मनीष सिट टू द इमिडिएटली लेफ्ट ऑफ आकाश। गणेश चेरी बेचता है, उसका रेड कंटेनर है, और मनीष जो है इमिडिएटली लेफ्ट ऑफ आकाश, आकाश के जस्ट बगल में बैठता है। चेतन सेल कीवी इन सेम कलर ऑफ कंटेनर ऑफ सेलर टू हिज इमीडिएट लेफ्ट। चेतन कीवी सेल करता है और सेम कलर का कंटेनर है उसके पास, जो कि उसके इमीडिएट लेफ्ट वाले के पास है। नो थ्री सेलर विथ सेम कलर ऑफ कंटेनर आर सिटिंग इन ए लाइन टुगेदर। तीन सेलर जो हैं वो सेम कलर का कंटेनर नहीं रख सकते एक ही लाइन में। सेलर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड हैव डिफरेंट कलर ऑफ कंटेनर। जो कि एंड में बैठेंगे वो, उनके पास डिफरेंट कलर का कंटेनर है। दीपक एंड भावना सिट नेक्स्ट टू ईच अदर बट नन ऑफ दैम सेल आइदर एप्पल और गवावा। दीपक और भावना एक दूसरे के आगे पीछे बैठेंगे, लेकिन वो ना तो एप्पल बेचते हैं ना गवावा बेचते हैं। देयर आर एग्जैक्टली टू सेलर सिटिंग बिटवीन द कीवी सेलर एंड द ऑरेंज सेलर। जो दो सेलर है उन दोनों के बीच में, सॉरी, दो सेलर है उनके बीच में दो का स्पेस है। कीवी सेलर एंड ऑरेंजेस के बीच में दो सेलर बैठेंगे, कौन ये हमें पता नहीं है। हरी सेल बनाना इन रेड कंटेनर एंड सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। हरी जो है बनाना बेचेगा, रेड कंटेनर में बेचेगा और एक्सट्रीम एंड में बैठा है, लेकिन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड यानी कि कोई सा भी हो सकता है। एक साइड में हरी बैठेगा, एक साइड में या एप्पल या गवावा। द वन हु सेल ऑरेंजेस डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ द रो। जो ऑरेंजेस बेचता है वो कभी भी मिडिल में नहीं बैठेगा रॉ के। मनीष एंड द वन हु सेल एप्पल वन ऑन ए कंटेनर ऑफ सेम कलर। यानी कि मनीष और जो एप्पल बेचता है उन दोनों के पास सेम कलर का कंटेनर है। इसमें हमारे पास केस बनेंगे, तो सबसे पहले मैं एक बना लेता हूँ, सात लोगों को बैठा देता हूँ इस लाइन में। मैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, मैं मान के चलता हूँ कि इस केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ यहाँ या तो एप्पल बैठेगा या गवावा बैठेगा, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है दोनों में से कौन बैठेगा। अगर यहाँ एप्पल बैठेगा तो यहाँ पे गवावा, और यहाँ गवावा बैठेगा तो यहाँ पे एप्पल। ठीक है, ये कॉर्नर हो गए। एंड इस कॉर्नर में मैं अगर बात करूँ तो एक कॉर्नर में इसने बोला है कि हरी बैठता है, कन्फर्म है, वो दूसरा कॉर्नर यही बचा है। तो इस केस में हरी को यहाँ बैठा देते हैं। इसके पास बनाना हो गया और ये रेड कलर का कंटेनर रखता है। ये हमारा जो है केस वन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, मैं यहाँ पे किसको फिक्स कर सकता हूँ। मुझे पता है गणेश के पास तो चेरी है, रेड है, तो वो यहाँ पे फिक्स होगा नहीं। तो मैं अगर इसको फिक्स करना चाहूँ चेतन को, चेतन बेचता है कीवी, और उसके पास जो कंटेनर है उसके वही कंटेनर है जो कि उसके लेफ्ट वाले के पास है। तो पहली बात, चेतन इस प्लेस पे नहीं बैठ सकता क्योंकि उसके लेफ्ट वाले के पास कौन सा है, और ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड है एंड ये राइट साइड है, तो इसके लेफ्ट में कोई है नहीं, तो चेतन यहाँ नहीं बैठ सकता। अब बात करूँ मैं चेतन की यहाँ पे, अगर मैं चेतन को यहाँ बैठाता हूँ, अगर मैं चेतन को सेकंड प्लेस पे बैठाता हूँ तो वो बेचेगा कीवी, जबकि यहाँ पे पहले से या तो गवावा बैठेगा या एप्पल बैठेगा, तो चेतन यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता। अब मैं बात करूँ चेतन की थर्ड प्लेस की, अगर आप चेतन को थर्ड प्लेस पे बैठाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कीवी, ठीक है, तो चेतन के पास कौन सा कलर होगा।
तो इसके लिए आपको एक लाइन दे रखी है इसमें कि जो सेलर है वो बैठेंगे एक्सट्रीम एंड, उनके पास डिफरेंट कलर का कंटेनर होगा, यानी कि जो दोनों एंड में बैठेंगे। आपको पता है इस एंड में रेड है तो डिफरेंट होगा, तो दूसरे वाले का बचा ही आपके पास ब्लू है, तो यहाँ पर ब्लू कलर का कंटेनर आएगा और यहाँ पर भी ब्लू आएगा, क्योंकि हमें पता नहीं एप्पल यहाँ है या यहाँ है, गवावा यहाँ है यहाँ है, ठीक है। तो दोनों में ब्लू आ गया। अब कीवी जो है, कीवी के पास कौन सा कलर होगा? चेतन के लिए बोल रखा है कि उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो है वही कलर होगा, इमीडिएट लेफ्ट में ब्लू, तो यहाँ पर भी इसका ब्लू हो जाएगा। लेकिन आपने एक लाइन पढ़ी होगी, नो थ्री सेलर विद द सेम कलर कंटेनर सिटिंग टुगेदर, तो यानी कि तीन सेलर जिनके पास सेम कलर का कंटेनर है वो साथ नहीं बैठ सकते। दैट मीन्स चेतन यहाँ नहीं बैठने वाला है। अगर आप चेतन को यहाँ बैठाते हैं और कीवी को यहाँ रखते हैं, तो आपको पता है कीवी के लिए दो प्लेसेस चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा है देयर आर एग्जैक्टली टू सेलर सिटिंग बिटवीन कीवी एंड ऑरेंजेस, यानी कि कीवी और ऑरेंज बेचने वाले के बीच में एग्जैक्ट दो लोग बैठे हैं। अगर कीवी को यहाँ प्लेस करते हैं तो दो प्लेस यहाँ छोड़ने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको ऑरेंज बैठाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे फिक्स है बनाना, तो ना तो यहाँ पर बैठने वाला है चेतन और यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, क्योंकि कीवी और ऑरेंजेस के बीच में दो होने चाहिए। अब बात करते हैं, आप इस प्लेस में बैठा लीजिए। इसके लिए मैं अलग से एक डायग्राम बना रहा हूँ, बिकॉज सब मिक्सअप हो जाएगा, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ वो डायग्राम है और यहाँ से मेरे को सेवन्थ लोगों को बैठाना है, वो टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। तो हरी तो यहाँ पर बैठा ही है, आपको पता है बनाना यहाँ पर आ ही गया, उसके बाद रेड कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे एप्पल या गवावा, यहाँ पर भी एप्पल या गवावा, आपको पता है यहाँ पर रेड है तो दोनों कॉर्नर का अलग अलग होगा, तो यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर ब्लू, दोनों जगह ब्लू इसलिए आया है क्योंकि पता नहीं है दोनों में से कौन कहाँ बैठेगा, ठीक है। अब सिक्स प्लेस पर मेरे को किसको बैठाना था? सिक्स प्लेस पर मेरे को पुट करना था चेतन को। अगर चेतन यहाँ पर बैठेगा तो कीवी यहाँ पर आएगा, और कीवी यहाँ पर आएगा तो आपको पता होना चाहिए कलर यहाँ पे कौन सा आएगा। तो अभी हमें पता नहीं, क्योंकि चेतन के केस में ये था कि उसके लेफ्ट में जो बैठा है उसके पास जो कलर है वो आएगा, यहाँ हमें पता नहीं है किसके पास क्या कलर है, यहाँ हमें पता नहीं है उसके पास क्या कलर है। तो हमें सपोज करना पड़ेगा कि चेतन के पास जो है रेड कलर है। अब चेतन के पास अगर रेड कलर है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पास भी रेड ही होगा, क्योंकि इसके पास रेड होगा तभी इसके पास रेड होगा। बट आपको दिख रहा है यहाँ पर भी रेड, यहाँ पर भी रेड और यहाँ पर भी रेड, तीन कंटेनर एक कलर के एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो इससे कन्फर्म हो गया रेड यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे कौन सा कलर आने वाला है? यहाँ पे कलर आने वाला है ब्लू, यहाँ पर ब्लू, तो यहाँ पर भी ब्लू, दोनों जगह ब्लू ब्लू कलर आ जाएंगे, यहाँ ब्लू है यहाँ ब्लू है, आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दो प्लेसेस बाकी हैं, यहाँ पर ब्लू आ गया, यहाँ पर ब्लू आ गया, दो प्लेसेस बाकी है। आपको बोला है कि गणेश जो है चेरी बेचता है और रेड कंटेनर है उसके पास। मैं अगर सॉरी, पहले आपने एक कंडीशन में भूल गया, वो ये थी कि कीवी अगर यहाँ बैठा है तो आपको पता होना चाहिए दो प्लेस छोड़ के ऑरेंज बैठेगा, ये पहला प्लेस छोड़ दिया है, दूसरा प्लेस छोड़ दिया है, ऑरेंज यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब वो कंडीशन लगाएंगे जहाँ पे बोला है कि गणेश को बैठाना है, तो गणेश यहीं बैठेगा, फिक्स हो गया, क्योंकि प्लेस ही खाली यही है, चेरी यहाँ ही आएगी और रेड कंटेनर इधर ही आएगा। गणेश इधर आ गया, चेरी इधर आ गई और रेड कंटेनर इधर आ गया, आपको ये पता है, तो ये सब फिक्स हो चुका है, गणेश इधर है, चेरी इधर है और रेड कंटेनर इधर है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, अब आपको बैठाना किसको है? दीपक और भावना को बैठाना है, जो कि एक दूसरे के अगल बगल है। अगर सपोज करूँ मैं दीपक को यहाँ बैठा हूँ तो भावना यहाँ आएगी, जब आपको पता है कि एप्पल और गवावा में से दोनों चीज़ें ही नहीं बेचते हैं दीपक और भावना, तो यानी कि ना तो दीपक भावना इधर आएंगे ना यहाँ पर आएंगे। अब मैं दीपक को इधर बैठा हूँ तो भावना इधर आनी चाहिए, जबकि यहाँ पहले से गणेश बैठा है, और यहाँ दीपक को बैठा हूँ यहाँ भावना आनी चाहिए, जबकि यहाँ पहले से चेतन बैठा है। तो इसका मतलब हो गया ये सॉल्यूशन भी आपका सही नहीं है, कि चेतन सिक्स प्लेस पर भी नहीं बैठेगा और फिर एक से लेके फाइव तक तो नहीं बैठ रहा है। तो केस नंबर दो ये हैं, केस नंबर दो की बात करूँ तो ये सेवन प्लेसेस है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन प्लेसेस है। फर्स्ट केस में हरी एंड में बैठा था, सेकंड केस की बात करूँ तो हरी बैठेगा फर्स्ट में, हरी यहाँ बैठ गया, बनाना बेच रहा है,
और रेड कलर का कंटेनर है। तो लास्ट में आपको पता है या तो एप्पल बैठेगा या गवावा, यहाँ पर भी एप्पल बैठेगा या गवावा, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट में रेड है तो आपको पता है कि दोनों के कलर अलग अलग है, यहाँ पर भी ब्लू हो जाएगा और यहाँ पर भी ब्लू हो जाएगा, दोनों जगह ब्लू ब्लू हो गए, ठीक है। अब दोनों जगह जब ब्लू कंटेनर है आपको पता है, तो आप यहाँ पर चेतन को बैठाइए, क्योंकि अब यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर चेतन बैठेगा तो चेतन बेचेगा कीवी, और कीवी बेचेगा तो उसको आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आएगा रेड, क्यों, क्योंकि उसके लेफ्ट में जो कलर है वही कलर उसके पास होना चाहिए, तो यहाँ पर रेड आ गया। अब दो प्लेसेस छोड़ के आपको पता है यहाँ पर बैठेगा ऑरेंज, आप यहाँ पर ऑरेंज को बैठा दीजिए। अब ऑरेंज यहाँ पर बैठ गया है तो आपको पता है कि अब आप गणेश को यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि गणेश यहाँ पर बैठ सकता है या फिर यहाँ पर बैठ सकता है। मैं गणेश को यहाँ बैठा हूँ तो गणेश बैठता है चेरी, और उसके पास है रेड कंटेनर। तो आपको एक बात दिख रही है, यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी रेड है, तीन रेड एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब है गणेश यहाँ पर तो नहीं बैठने वाला है, गणेश यहाँ नहीं बैठने वाला है, तो गणेश को मैं बैठाऊँगा कहाँ पे, यहाँ पे। गणेश यहाँ पर बैठ गया, चेरी यहाँ पर आ गई, रेड यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये फिक्स हो गया है। जब गणेश यहाँ पर आ गया, चेरी यहाँ पर आ गई और रेड यहाँ पर आ गया, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि दीपक और भावना एक साथ अलग अलग नहीं बैठेंगे, एक दूसरे के अगल बगल में बैठेंगे। तो दीपक को यहाँ बैठा हूँ अगर, तो भावना इधर बैठनी चाहिए, जबकि यहाँ पहले से भावना बैठी है। और दीपक को अगर मैं इधर बैठा हूँ तो भावना इधर बैठेगी, जबकि आपको पता है कि भावना और दीपक एप्पल गवावा बेचते ही नहीं है। तो इसका मतलब है गणेश यहाँ पर नहीं बैठेगा, और इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो चेतन यहाँ पर भी नहीं बैठने वाला है सेकेंड प्लेस पर, चेतन सेकेंड प्लेस पर भी नहीं बैठेगा। तो चेतन एक्चुअल में बैठेगा कहाँ पर, अब मैं बात करता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब मैं अगर चेतन को बैठा हूँ यहाँ पे, अब मैं चेतन को बैठाता हूँ थर्ड प्लेस पे, चेतन यहाँ बैठेगा, कीवी यहाँ बैठेगा, है ना। अब आपको पता है कीवी और के ऑरेंज के बीच में दो प्लेसेस होने चाहिए, तो यहाँ पर ऑरेंज बैठेगा, नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पर एप्पल या गवावा बैठा है, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। और सेम केस यहीं लग जाएगा, फोर्थ फोर्थ प्लेस पर भी चेतन नहीं आने वाला है और थर्ड पर भी नहीं आने वाला है। तो चेतन कहाँ बैठेगा, अब केवल एक प्लेस बचता है, चेतन बैठेगा फिफ्थ प्लेस पे। तो चलिए हम चेतन को फिक्स करते हैं फिफ्थ प्लेस पे। यहाँ पर मैंने चेतन को बैठा दिया है, यहाँ पर मैंने कीवी बेचेगा चेतन। अब आपको पता होना चाहिए चेतन यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे कीवी बेचेगा, लेकिन चेतन के पास कौन सा कलर होगा जो उसके जस्ट लेफ्ट वाले के पास होगा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, तो यहाँ ब्लू नहीं हो सकता क्योंकि तीन कलर एक जैसे कंटेनर नहीं आने वाले हैं। तो आप इमेजिन ही कर लीजिए यहाँ पर रेड ही होने वाला है, और यहाँ रेड है तो इसके बगल वाले के पास ऑफकोर्स रेड ही होगा, क्योंकि चेतन उसके लेफ्ट में जो है वही कलर वाला बैठने वाला है। तो आपको पता हो गया यहाँ पे रेड आएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अब आप बोलें अगर मैं गणेश को यहाँ बैठा दूं, क्योंकि गणेश चेरी बेच रहा है, अगर मैं गणेश को यहाँ बैठा दूंगा तो दीपक और भावना, दीपक अगर इधर बैठेगा तो भावना इधर नहीं बैठ सकती है, तो कंफर्म हो गया कि गणेश यहीं बैठने वाला है। गणेश यहाँ पर बैठेगा, रेड कलर है, चेरी बेच रहा है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ तो या तो दीपक इधर बैठेगा या भावना इधर, अगर दीपक इधर बैठता है तो भावना इधर, भावना इधर बैठती है तो दीपक इधर बैठने वाला है, ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं, इसमें आगे दे रखा है कि मनीष जो है, मनीष बैठता है इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आकाश, तो यानी कि अगर आकाश इधर बैठा है लास्ट प्लेस पे, तो इसके इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठा है, मनीष बैठा है, ठीक है, यानी कि मनीष यहाँ बैठा है और आकाश यहाँ बैठा है, ये आपको पता पड़ गया। अब आपको पता क्या करना है, कीवी, आपको एक चीज़ भूल गए, आपकी कीवी से दो प्लेस छोड़कर ऑरेंज था, एक प्लेस छोड़ा, दूसरा प्लेस छोड़ा, यहाँ पर था अपने पास ऑरेंज, तो यहाँ पर ऑरेंज हो गया। अब आपके पास एक ही फ्रूट बचा है जिसका नाम है ग्रेप्स, तो ग्रेप्स आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेप्स यहाँ पे हो गया, ऑरेंज यहाँ पर हो गया। अब आपको पता है यहाँ पर रेड नहीं हो सकता, क्यों, दो रेड है तो तीनों जगह रेड नहीं हो सकता एक साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ब्लू, यहाँ आपके पास ब्लू आ गया, ठीक है, यहाँ आपके पास ब्लू आ गया है, तो आपके पास बचा है अब ऑरेंज। यहाँ आपको नहीं पता है कि ब्लू है या रेड है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो यहाँ पे ब्लू भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। लास्ट में आपको एक लाइन दी है कि मनीष और
जो एप्पल बेचता है उन दोनों का कंटेनर का कलर सेम है। मनीष और जो एप्पल बेचता है, इस बात पे गौर कीजिएगा, मनीष और जो एप्पल बेचता है, यानी कि मनीष एप्पल नहीं बेचता है, तभी उसने कहा है मनीष और जो एप्पल बेचता है। तो मनीष एप्पल नहीं बेचता है, तो इसका मतलब हमें कन्फर्म हो गया कि आकाश एप्पल बेच रहा है, आकाश एप्पल बेच रहा है और मनीष गवावा बेच रहा है, तो दोनों के पास सेम कलर का कंटेनर ब्लू हो ही गया है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको ये पजल कैसी लगी? अगर आपको ये पजल अच्छी लगी तो मैं आपके लिए इसी तरह की पजल लेके आता रहूँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।